ورتل القرآن ترتيلا. حفظه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे जितने हो चुके हैं उसमें से कोई क्वेरी है आपकी, जो मद का टॉपिक हम कर रहे थे अभी, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है? जितना अभी तक हमने सीख लिया है वो सब आपको याद है, अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हैं? काइंडली वो मुझे बताइए। आपका क्वेश्चन ये है कि कुरान पाक में मुख्तलिफ अल्फाज पर जो मद का साइन होता है, ठीक है, क्या वो अल्लाह की तरफ से है या वो रसमुल ख़त जो है जब राइटिंग की जाती है कुरान पाक की, या उसमें ये रमूज़ो अकाफ में आता है, ये बाद में जो अमेंडमेंट्स की गई थी कुरान पाक की तरवीज में इसके रमूज़ो अकाफ बनाने में, ये सारा क्या सिनेरियो है? मैं इसको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग में जब कुरान पाक, आपको पता है कि कुरान पाक तो इसका नज़ूल जो है वो किताबी शक्ल में हुआ ही नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इल्का किया गया था, और फिर दिल पर इल्का किया गया और उसके बाद सहाबा इकराम ने सुनकर इसको अपने दिल में ही महफूज किया। लेकिन बादजा इसको फिर, जैसा कि आपको पता हो या आपने सुना पढ़ा हो कि कुरान पाक की आयात को, क्योंकि उस वक़्त कापी एंड पेंसिल तो नहीं था, तो उस वक़्त ऊंट की बड़ी बड़ी हड्डियों पर और बड़ी बड़ी छालों पर, वहाँ पर ये आयात जो थी वो मेंशन की जाती थी, लिखी जाती थी। तो इस तरह महफूज कुरान पाक जो है वो किया गया। कुरान पाक के बारे में ये है कि आज 21वीं दौर में, यानी 21वीं सदी में अगर देखा जाए, तो अगर हम आज से कोई 200 सदियां पहले 300 सदियां पहले अगर कुरान पाक को देखेंगे तो कुरान पाक में इतने रमूज़ो अकाफ नहीं होंगे जितने आज मौजूद हैं। इससे ये बात भी सामने आती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुरान पाक में आम जो गैर अरबी लोग हैं उनके आसानी के लिए बहुत सारे रम्स कहते हैं इशारे को, बहुत सारे ऐसे साइन एंड सिंबल जो हैं, बहुत सारे ऐसे इशारात जो हैं वो लगाए गए हैं हमारी आसानियों के लिए। आप देखें कि जैसा कि तशदीद है, तशदीद में जब आप इदगाम करते हो तो इदगाम में जैसे लफ्ज़ है मैं यकूलू, आप इसमें नून के बाद जो या है उस पर आप तशदीद देखते हैं कुरान पाक में, हालांकि ये तशदीद हमें अब पता चल चुका है ये तो इदगाम की वजह से आई है। तो ये अरबी मुसफ़ में ये तशदीद मेंशन नहीं होती, वो इसलिए कि जो गैर अरबी लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उनके आसानी के लिए कि यहाँ पर मैंने मिला कर पढ़ना है क्योंकि ये तशदीद है, वो नहीं पता कि क्यों तशदीद है, किस वजह से है, क्या रीज़न है, वो नहीं पता, बस तशदीद है तो मुझे ये सिंबल है, ये साइन है कि यहाँ पर मैंने मिला के पढ़ना है, वो मेरे पढ़ने के लिए, मेरी अदायगी के लिए एक इशारा है। तो इस तरह के बहुत सारे इशारे हैं, और आप ये भी देखते हैं जैसे लाम होता है, तो होता है, ज़ा होता है, सीन होता है, सौद लाम या होता है, ये भी सारे क्या है, रमूज़ो अकाफ हैं। ये भी सारे वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इशारात जो हैं वो कुरान पाक पर लगाए गए हैं। इसी तरह ये जो मद का सिंबल है ये भी एक सिंबल है। अब आपको हो सकता है कि माइंड क्लियर हो रहा हो इस टॉपिक के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में, कि ये भी इट्स अ टाइप ऑफ सिंबल, ये भी एक इशारा है कि यहाँ पर हम मद करके पढ़ें। आपने अक्सर कुरान पाक में देखा होगा कि मद मुत्तसिल की जगह पर मोटी सी मद होती है, ठीक है, साइन तो सेम होता है लेकिन वो थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, और जो मद मुनफसिल होती है वो बारीक मद होती है। उस मोटे और बारीक के पीछे भी तो एक चीज़ है ना, जिसके अगर आप इसमें गौर करें तो मैंने आपको बताया था कि मद मुत्तसिल जो है वो मद वाजिब है। तो जैसे कि लाम है, सौद लाम या है, इस तरह के बहुत सारे रमूज़ो अकाफ हैं, तो उसमें ये होता है कि कहाँ पर आपने आयत की तिलावत करते हुए वक्फ करना है, कहाँ पे आपने कैसे पढ़ना है, ये सारे मेंशन होते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि मद का जो साइन होता है वो बारीक और मोटा दोनों होता है, और आपने देखा होगा अक्सर के मद मुत्तसिल के ऊपर जो साइन होता है वो ज़रा थिक होता है, ठीक है, मद का साइन
और जो मद मुनफसिल पर होता है वो कदरे बारीक होता है। इसके पीछे भी क्या रीज़न हो सकती है, इसके पीछे भी रीज़न ये है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि मद मुत्तसिल जो है वो मद वाजिब है, हर सूरत में आपने उसको थ्री अलिफ के बराबर आपने उसको लंबा करना है, अगर आप उसमें कमी बेशी करेंगे तो वो गलती कंसीडर होगी। इसी तरह से मद मुनफसिल जो है वो मद जायज़ है कि वहाँ पर आप कसर भी कर सकते हैं, कसर मीन के आप उसको एक अलिफ भी पढ़ सकते हैं, दो अलिफ भी पढ़ सकते हैं, यानी उसमें गुंजाइश है, इसलिए उस पर जो मद का साइन है वो बारीक है। अब देखिए ये इसकी बिहाइंड जो है वो एक तरह से लॉजिक है, लेकिन शायद हमने इस पर गौर ना किया हो। तो जो मद का साइन है वो साइन एंड सिंबल जो है वो ऐसे ही समझ लें कि इंसानों के बनाए हुए हैं, और वो भी हमारी आसानी के लिए हैं। अदरवाइज उस पर साइन एंड सिंबल ये चीज़ें ना हो तो हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं उन रूल्स की बदौलत हमें ये चीज़ काबिल करती है कि हम कुरान पाक की तिलावत तरतील के साथ सही तरीके से कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा मैंने एलेबोरेट कर दिया आपका क्वेश्चन, कि उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ये साइन एंड सिंबल्स इंसानों के हैं और ये हमारी आसानी के लिए हैं, और ये ऐसे ही समझ लें कि पढ़ते तो हम बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन ये सिर्फ इशारे इसलिए बताए गए हैं कि जो नॉन अरब हैं उनको समझ आ जाए कि यहाँ पर आपने लंबा करना है, बारीक करना है, छोटा करना है, रुकना है, कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल अंडरस्टूड है कि वहाँ पर आप मद मुत्तसिल में और मद मुनफसिल में अगर सिंबल नहीं भी होता तो हमने नीचे उसके जो बेसिक चीज़ है उसके हरूफ, हरूफ मद्दा और माहले मद और सबब मद, ये बेसिक चीज़ है, ये क्लियर है, तो ऊपर चाहे सिंबल ना हो हम वहाँ पे मद करेंगे। थ्योरी का काम स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक दफ़ा हम क्या स्टडी कर रहे थे लास्ट वीक में। तो हम स्टडी कर रहे थे मद आरिस के बारे में, मद आरिस में फिर हमने सुकून के बारे में देखा था, मद आरिस को मद आरिस क्यों कहते हैं, मद आरिस की रिक्वायरमेंट्स देखी थी, उसमें हमें पता चला था कि हमें उसमें सुकून की ज़रूरत है, और सुकून जो है वो दो तरह के होते हैं हमें पता है, एक अल्लाह ताला की तरफ से होता है जो वक्फ और वस्ल में कभी भी ड्रॉप नहीं होता, और जो सुकून वक्फ की सूरत में हम खुद से साकिन करते हैं और वो मेंशन वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता बल्कि हमारे सिर्फ पढ़ने में होता है, तो वो सुकून असली नहीं बल्कि सुकून आरजी होता है, ठीक है, टेम्पररी होता है। तो ये थी दो चीज़ें। फिर थोड़ी थोड़ी मिसालें हमने कुरान पाक पर देखी थी, मैंने कुछ बताया था, लेकिन कंप्लीट उसको आज हम कर देंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं तो मद की इस टॉपिक के बारे में, मद आरिस वक्फी, आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद बताऊंगी। लास्ट क्लासेस में आपने इसका नाम लिखा था मद आरिस, आज एक लफ्ज़ इसके साथ और ऐड कर लें, आपने जहाँ मेन हेडिंग दी हुई है उसके साथ आप लिखें मद आरिस वक्फी, ठीक है, मद आरिस वक्फी, जैसे वक्फ होता है ना वाव काफा वक्फ, ऐसे ही है वक्फी। इंशाल्लाह जो आज हम बातें डिस्कस करेंगे मुझे उम्मीद है कि वो बातें आपको, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो अच्छे से सुने हुए हैं, अच्छे से नोट डाउन हैं, असेसमेंट करते रहे हैं, तो आज बातें जो है वो बहुत जल्द क्लिक करेंगी आपको इंशाल्लाह। तो आज नाम जो है, एक नाम जो है वो थोड़ा सा एडिशन करवाई है, मद आरिस वक्फी, और मद आरिस, आरिस का जो नाम है वो डिस्क्रिप्टिव है, आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था कि ऐसी मद जो आरजी तौर पर की जाती है, इसमें सुकून जो है वो आरजी होता है जिसकी बुनियाद पर इसका नाम है मद आरिस, ठीक है, दो सुकून थे, सुकून असली और सुकून आरजी, इसमें चूंकि सुकून आरजी होता है इसलिए इस मद को भी मद आरिस कहते हैं। वक्फी क्यों कहते हैं, चूंकि ये मद हमेशा वक्फ पर की जाती है, चाहे आयत का एंड हो, चाहे आयत का दरमियान हो, जहां आप अपनी सांस और अपनी आवाज़ को तोड़ते हैं उसे वक्फ कहते हैं, वहीं पर यह मद जो है आ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं मद आरिस वक्फी। सेकेंडली अब हम फार्मूला जो है वो अब उसका लिख लें, क्योंकि नाम हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है तो फार्मूला भी इसी नाम की मुनासिबत से ही होएगा,
मदयारिस वक्फी में सबसे पहले हमें चाहिए एक लफ्ज़, एक लफ्ज़, और लफ्ज़ को अरबी ज़ुबान में कहते हैं कलीमा। आप ये भी लिख सकते हैं कि एक कलीमा या एक लफ्ज़, दोनों एक ही बातें हैं। प्लस उसमें हमें चाहिए एक लफ्ज़ के बाद हम सेकेंडली हमें क्या चाहिए होगा उसमें, सेकेंडली हमें चाहिए उसमें उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ में हमें हर्फ़ मद्दा चाहिए। सेकेंड ये है उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ हर्फ मद्दा हो। तीसरी चीज़ उसमें ये चाहिए कि जिस लफ्ज़ पर हम एंड कर रहे हैं, इसी लफ्ज़ पे हम एंड कर रहे हैं, उसका आखिरी हर्फ जो है वो हम साकिन करेंगे, यानी आप लिख सकते हैं सुकून आर्जी। तीसरी चीज़ में लिखते सुकून आर्जी, पहली चीज़ एक लफ्ज़ चाहिए, फिर उसमें हमें आखिर पे हर्फ मद्दा चाहिए, और फिर तीसरी चीज़ सुकून आर्जी हो। वो सुकून आर्जी डेफिनेट मेंशन नहीं होगा वो, बल्कि हमने ख़ुद से करना है, वो हमारी तिलावत में होगा। ये तीन चीज़ें हैं, उम्मीद है ये चीज़ें अब आपको, अगर मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ ज़्यादा तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो अब आपके सामने एक लफ्ज़ है, कुरान पाक खोल लीजिए। तो एक कॉमन वर्ड है कुरान पाक में यालमून, तो जब आयत का एंड होता है यालमूना, तो आप देखते हैं कि नून के ऊपर ज़बर है। जब आप पढ़ते हैं उसको तो आप पढ़ते हैं यालमून। तो आपने क्या तीन चीज़ें, अब आप इसमें तीन चीज़ों को देख लें कि ये एक लफ्ज़ भी है और इसमें हरफ मद्दा भी है, और नून के ऊपर चूँकि ज़बर है तो हम उसको आरजी साकिन कर रहे हैं यालमून, ठीक है जी। अब और थोड़ी सी चीज़ें और हैं वो नोट कर लें इसमें मदयारिस वक्फी में, फिर हम इंशाल्लाह मिसाले देख लेते हैं कि जब हम मदयारिस करते हैं तो हमें मिकदार क्या रिक्वायर है, कितनी लेंथ में हम इसको लंबा करेंगे, मद कितनी करनी है हमने। तो मद की मिकदार इसकी हेडिंग दें, मद की मिकदार कितनी होगी, इस मद में आप तीन मिकदारों से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मदयारिस वक्फी में आप तीन मिकदारों से पढ़ सकते हैं, आप इसमें एक अलिफ जितना लंबा भी कर सकते हैं, आप इसमें दो अलिफ जितना लंबा भी कर सकते हैं, आप इसमें तीन अलिफ जितना लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना लंबा करते हैं, 1, 2, 3 यहाँ तक इसकी इजाज़त है, ये बात भी क्लियर होगी। अब जहाँ पे आपने एक अलिफ लिखा है इसके साथ आप लिखें कसर, कौफ सौद रा कसर। जहाँ पे आपने दो अलिफ लिखा है वहाँ पे आप लिखें तवस्सुत, ता वाव सीन तो तवस्सुत। जहाँ पे आपने तीन अलिफ लिखा है वहाँ पे आप लिखें तूल, तो इसको तो ही कहते हैं उर्दू में, तो वाव लाम तूल। ये मैंने इससे पहले नहीं बताया आपको, लेकिन आज हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। अरबी ज़ुबान में एक अलिफ को कहते हैं कसर, और आपको पता है कसर जो है वो कम को कहते हैं, मुख्तसर को कहते हैं, कम को कहते हैं, ठीक है। और तवस्सुत जो है इसको क्या कहते हैं, जो दरमियानी दर्जे का होता है, ठीक है। और जो तीन अलीफ है इसको तूल कहते हैं, और आपको पता है कि तूल तवील से है, लंबा से है, और ये मकदार सबसे लंबी होती है, इस मुनासबत से इसको तूल कहते हैं। तो अगर मैं आपसे तदबीक के दौरान कहूँ कि इसकी मकदार कसर है, तो आप फौरन से इसको अंडरस्टैंड करें कि ये एक अलीफ है। जब मैं बोलूँ कि इसको तवस्सुत करें, मद मुनफसिल को तवस्सुत करें, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि दो अलीफ जितना लंबा करना है। मैं आपसे कहूँ कि मद मुत्तसिल को आप तूल करें, तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि इसको तीन अलिफ कितना लंबा करना है, ठीक है। तो आज आपने एक अलिफ, दो अलिफ, तीन अलिफ के नाम भी पढ़ लिए, कसर, तवस्सुत, तूल, जी ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं, सबसे पहले मद आरिस वक्फी के नाम की तोजीह सीखी है,
उसके बाद हमने मद आयज वक्ती में उसका फार्मूला सीखा है, फिर हमने इसमें सुकून जो है, सुकून के बारे में हमने सीखा है, सुकून कितनी अकसाम के हैं और इसमें कौन सा सुकून जो है वो आता है, और एंड में हमने देख लिया है कि मद आरिस वक्फी की जो मकदार है वो कितनी होती है। तो मद आरिस वक्फी की मकदार आप कसर भी कर सकते हैं, या अलमून तवसुब भी कर सकते हैं, तूल भी कर सकते हैं, वहुम यालमून। ठीक है, एक बात नोट आप लिख सकते हैं, हेडिंग दीजिए नोट, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और ये इतनी अहम बात है कि इसके बारे में नॉर्मली आवाम को नहीं पता होता, हम इसके बारे में बिल्कुल भी केयरफुल नहीं होते। ये वो लोग केयरफुल होते हैं या उनके इल्म में ये बात होती है जो माशाल्लाह बड़े ही माहिर और बड़े ही हाजिक कारी कुरान होते हैं, एक्सपर्टीज लेवल की उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, एक्सपर्ट लेवल के टीचर होते हैं, या आप कह लें कारी कुरान होते हैं, या जिन्होंने बड़े बड़े उस्तादों से ये मश्क हासिल की होती है इस तिलावत कुरान की, तो उनके इल्म में ये बात होती है। तो इस बात को अच्छे से आप नोट कर लें, अहम बात है वो ये है कि जब आपने तिलावत कुरान करनी है, आप तिलावत कर रहे हैं, तो आपने मद आरिस वक्फी की मकदार एक आयत के एंड पे आपने मद आरिस वक्फी की जो मकदार है वो आपने कसर की है, लेकिन जब आपने कसर की है तो आपने सेकंड आयत में भी डेफिनेट मद आरिस वक्फी है, तो आप उसमें आप ये नहीं कि आप उसमें तवसुत कर रहे हैं, एक आयत में आप तवसुत कर रहे हैं, एक आयत में आप कसर कर रहे हैं, एक आयत में आप तूल कर रहे हैं, कि तीनों की इजाज़त है इसलिए तीनों में से जो मर्जी करते रहें, ऐसा नहीं होगा। इसके बारे में कुरा का जो है वो राय ये है कि आपकी तिलावत में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने कसर को चूज़ किया है तो आप तमाम मद आरिस वक्फी, जहाँ जहाँ मद आरिस वक्फी आ रही होगी आप वहाँ पर कसर करेंगे। ठीक है, अगर आपने तूल को चूज़ किया है, आप लंबा सांस है लंबा चूज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जितनी तिलावत करना चाह रहे हैं आप उसमें तूल करें, यानी कुरान में इस चीज़ का भी आप बैलेंस का जो है वो ख्याल रखेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मद आरिस वक्फी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम बातें जो वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह अभी आप कुरान ओपन कीजिए और आयत नंबर देखिएगा, यहाँ पे आयत नंबर है 116 के लास्ट वर्ड्स हैं, कुल्लु लहू क़ानितून। अब क़ानितून आखिरी लफ्ज़ है, यहाँ पे हमारा वक्फ हो रहा है। अब इसमें वाव मद्दा है, पहली बात है कि एक लफ्ज़ है, फिर इसमें वाव मद्दा हमारी सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो रही है हरफ मद्दा, और आगे नून के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ सुकून आर्जी के साथ हम इसकी मद करेंगे। अब हमारे पास ये तीनों चॉइसेस हैं कि हम यहाँ पे कौन सी मकदार को पुट कर सकते हैं, तो वो हमने भी डिस्कस कर लिया कि हमने तीनों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई एक करेंगे। ठीक है, तीनों ही नहीं करेंगे, तीनों में से कोई एक करेंगे। और भी मज़ीद ये कि जितनी तिलावत करनी है उसमें भी या तो तूल फिक्स करें, या तवसुत फिक्स करें, या कसर जो है वो फिक्स करें। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मद आरिस वक्फी में हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, इसका जो सेकंड है वो इंशाल्लाह वो फिर हम स्टार्ट करेंगे कल। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। एक आप सबके लिए बात, इसको नोट कर लें कि आपके नाक में आवाज़ कब जाती है, जब आप हरफ़ मद्दा पर आवाज़ को लंबा करते हैं। ये सब नोट कर लें, जब आप हरफ़ मद्दा पर आवाज़ को लंबा करते हैं तो आवाज़ अनकॉन्शियसली नाक में जाती है। जैसे कुरान पाक में आप देखते हैं, जैसे मेरे सामने भी ये लफ्ज़ है, वो अंतुम मुस्लिमून, लफ्ज़ है मुस्लिमून, लेकिन जब हम इसको हरफ मद्दा पे लंबी आवाज़ कर रहे हैं तो हम अनकॉन्शियसली पढ़ रहे हैं मुस्लिमून मून यालमून। तो हरफ मद्दा पर आवाज़ जाती है नाक में, जहाँ पे कॉन्शियसली आपने मुंह के अंदर आवाज़ रखनी है, आवाज़ को नाक तक जाते हुए रोकना है, वो कॉन्शियस हो जाएगा तो वो रुक जाएगी। इसी तरह से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
इस आवाज़ का डिफरेंस आपको फील हो रहा है, पौ में और पौ में, ये चीज़, ये जो आवाज़ है, एक एक में आवाज़ थोड़ी मोटी रहती है, एक में आवाज़ थोड़ी बारीक हो जाती है, ठीक है। وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ अभी हमने दोबारा मद मुनफसिल की मिकदार कम की है, वाहिद ना, यहां से दोबारा पढ़े और उसकी मिकदार पूरी करें। सब लोग जो है यहाँ पे जरा देख लें कि ये जो रॉ यहाँ पर अलिफ मद्दा है, नॉर्मली पढ़ते हुए सिर्फ इसकी ज़बर पढ़ के स्टूडेंट जो है वो गलती यहाँ पे ये करते हैं कि ज़बर पढ़ के वो आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि अलिफ मद्दा हो रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ पे इख्फा कौन सा हो रहा है, हैवी इख्फा हो रहा है। और दूसरा ये देखें कि हा के ऊपर तशदीद है, तो हीरा नहीं पढ़ना बल्कि यहाँ पे आपने स्ट्रेस दे के पढ़ना है, ठीक है। Bye.
बलदन हम वक्त नहीं कर रहे हैं, वसल कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि हम वसल कर रहे हैं, वक्त नहीं कर रहे हैं। जी जी पढ़े पढ़े। من آمن منهم بالله واليوم الآخر واليوم الآخر خير پڑھنا ہے آپ نے، رو کو ہیوی نہیں کرنا، और खा जो है उसके नीचे जेर है तो उसको भी कदरे बारीक पढ़ना है। इतना बारीक नहीं है लेकिन उसकी जो कसरा है, उसकी जो जेर है उसको बारीक पढ़ना है आपने। जी कफ़रा कफ़रा रा हैवी है और यहाँ पे वमन ये बारीक है, इसको वमन नहीं पढ़ना, इसको बारीक पढ़ना है। और कफ़रा ये हैवी है, दोबारा से पढ़े शाबाश। अभी भी मोटा है, अभी भी आपका हैवी है इख्वा। हाँ जी होंठ जो है ना उनको आप जैसे कहते हैं ना स्माइल फॉर्म में। जी जी चलिए शाबाश ट्राई करें। बारीक है यहाँ पे क्योंकि रॉ साकिन कर रहे हैं हम, उससे पहले याय साकिन है तो ऐसा रॉ जो है तो बारीक होता है। मौसीर वइज़ यरफ़ु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत। यर इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि इसमें रॉ हैवी है और या को मोटा नहीं करना, रॉ को हैवी करना है लेकिन उसको हिलने भी नहीं देना। तो वइज़ यरफ़ु फ़ऊ इब्रा हैवी है, ठीक है। अभी दोबारा से शाबाश पढ़े। वइज़ यरफ़ु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल देखिए कि रब्बना वजअलना कलकला वजअलना वमिन ज़ुर्रियतिना ज़ुर्रियतिना वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मत
जिसने मेरे साथ पढ़ा है उनकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो नोट कर ले। एक तो बारीक इख्फा यानी जो मुतवस्सिता है उस इख्फा को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें। वो आपका हैवी क्यों बन रहा है? उसके लिए आपके लिप्स जो हैं, होंठ जो हैं वो सेपरेट होने चाहिए पहली बात। फिर उनको स्माइल फॉर्म में होना चाहिए, ज़ुबान बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए, ठीक है? जैसे इन्नका अंतस्समीउल अलीम, नहीं पढ़ना इसको, ठीक है? तो इसका ख्याल रखें। दूसरी ये चीज़ है कि मिकदार जो है ना, मद मुत्तसिल मुनफसिल, इनकी मिकदार के बारे में आपने कॉन्शियस रहना है। अभी जो ज़्यादा फोकस करना है वो इख्फा के बारे में करना है। इख्फा आप लोगों का हैवी आ रहा है, उसके बारे में ज़रा कॉन्शियस हो जाए। और आइन जो है उसकी अदायगी जो है उस पर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी आयात पढ़ी है, उनको अच्छे से याद करना है। मदयारिज़ वक्फ़ी के टॉपिक को आपने अच्छे से रिकॉल कर लेना है। तो आज हमारा कम्प्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी किस्म है इसकी, हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपसे दीन का बेहतरीन काम ले इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।